जब भी आपको ऐसा सांप दिखता है कहीं, तो आपको एक सर्पमित्र को कॉल लगाना है। अगर सर्पमित्र नहीं आता है तो आपको 1926 ये अपना फॉरेस्ट हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे कॉल लगाना है। अगर वहां से भी कोई नहीं आता है तो जो भी आपके नजदीक वाला पुलिस स्टेशन है वहां पे कॉल लगाइए। वहां से आप किसी को भी बुला के बता सकते हो, बिकॉज ये शेड्यूल 1 का प्राणी है, इसको फुल प्रोटेक्शन दिया गया है। भी मिलते हैं हो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कैसे काय। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये हमारी रेस्क्यू की वीडियो नहीं है, लेकिन एक काफी एक गंभीर विषय है, एक सांप को लेकर, जिसको काफी लोग जो है अंधश्रद्धा के तहत उस सांप का जो है जीना मुश्किल कर देते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेड सैंडबुआ के नाम से जानते हैं, रेड सैंडबुआ, महाराष्ट्र में मांडूल, और हिंदी में दो मुंह वाला सांप। लेकिन उसका असली जो अंग्रेजी नाम है वो है अर्थबुआ। अर्थ का मतलब होता है जमीन, और यह हमेशा जमीन के अंदर छुप कर रहता है। काफी मासूम सांप है, बिना जहर वाला सांप है। लेकिन इस सांप के बारे में जो है, जो जानकारी जो आपको देने वाले हैं, वो जानकारी देंगी हमारी जाने माने सर्प मित्र प्रतीक्षा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में प्रतीक्षा जी ने 5 सांपों को पर्यावरण में जो है रिलीज किया था, तो आज प्रतीक्षा मैडम हमारे साथ जुड़ी हैं, तो इसकी जो पूरी जानकारी है वो प्रतीक्षा मैडम देंगी। तो आइए प्रतीक्षा मैडम, और इस सांप के बारे में थोड़ा सा लोगों को समझाइए, और लोगों का जो अंधविश्वास है उसको दूर करने की कोशिश की। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा है, मैं एक सर्प मित्र हूँ। जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियो भी देखे हैं, उसमें मैंने ये सांप आपको कभी नहीं दिखाया होगा। ये जो सांप आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, इसको मराठी में मांडूल बोलते हैं, हिंदी में इसको दो मुंह वाला सांप भी बोलते हैं। आप देख सकते हो उसका मुंह जो है वो ये जो अपनी ये निकाल रहा है, जबान निकाल रहा है बाहर, ये उसका मुंह है और उसकी ये पूंछ है। अगर इस पे हम लोग दो मणि भी लगा देंगे तो आपको ये भी उसका मुंह दिखेगा। मतलब ये उसको दो मुंह नहीं होते, आप देख सकते हो। अगर मैंने ऐसे भी पकड़ा तो ये जो ऐसे पोजीशन ले रहा है तो आपको लगेगा उसका मुंह है, पर ये मुंह नहीं है, उसकी पूंछ है। ये ऐसे क्यों है, मतलब आपको ये भी सवाल होगा। तो ये जब मिट्टी में रहने वाला सांप है, पहली बात तो जब ये मिट्टी में रहता है तो अपने पूंछ से वो मिट्टी खोदता है, खोदने की वजह से उसकी पूंछ ऐसी हो जाती है। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये कम से कम 4-4.5 साल का सांप है, और इसकी उम्र अगर आप अंदाजा लगाओगे तो कम से कम ये 14-15 साल के ऊपर नहीं जीता है। ये नॉन पॉइजनस है, ये अगर काटेगा भी तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। आप एक सेफ्टी के लिए आपके टीटी का इंजेक्शन ले सकते हो। जब भी आपको ऐसा सांप दिखता है कहीं, तो आपको एक सर्पमित्र को कॉल लगाना है। अगर सर्पमित्र नहीं आता है तो आपको 1926 ये अपना फॉरेस्ट हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे कॉल लगाना है। अगर वहां से भी कोई नहीं आता है तो जो भी आपके नजदीक वाला पुलिस स्टेशन है वहां पे कॉल लगाइए। वहां से आप किसी को भी बुला के बता सकते हो, बिकॉज ये शेड्यूल 1 का प्राणी है, इसको फुल प्रोटेक्शन दिया गया है। अगर आप ये पकड़ते हो, आपके घर में रखते हो, तो आपको कम से कम 6 महीने की जेल और कम से कम 1,00,000 तक का आपको जुर्माना इसका भरना पड़ेगा। बिकॉज ये जो प्राणी है इसके बारे में आपको बहुत सी अंधश्रद्धा है, मतलब कि ये पैसों की बरसात करता है, कुछ कुछ लोग बोलते हैं ये करोड़ों में बिकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक बार आपको इसको नजदीक से दिखा देती हूँ, इसका मुंह और पूंछ आप देख लीजिएगा, ये इसका मुंह है और ये पूंछ है, दोनों भी आपको एक एक जैसा ही दिखाई देगा। आप देख सकते हो ये इसका मुंह है। तो दोस्तों, ये सांप जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि काटता नहीं है, काटता भी है, 90% चांसेस कम है काटने के, बट जब काटता है तो बहुत बुरी तरीके से काटता है। और ये जो सांप है, जैसे मैंने आपको बताया, वापस बता रही हूँ, ये बिना जहर वाला सांप है, और इसको हम लोग इंग्लिश में रेड बुआ स्नेक बोलते हैं, उसके बाद में इसको हिंदी में दो मुंह वाला सांप बोलते हैं, और इसको मराठी में मांडूल बोलते हैं। बट इसको इसका जो रियल नेम है उसको अर्थ बुआ के नाम से पहचाना जाता है। तो अगर आपको वापस ऐसा कभी दिखे,
दो मुंह वाला सांप या फिर जो भी आप बोलते हो, अगर ऐसा कभी दिखे तो आप आपके पास में कोई सर्प मित्र है तो उनको बता सकते हो, या फिर वन विभाग को कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो फिर पुलिस स्टेशन में। दोस्तों बस एक बात बोलूंगी आपको, जियो और जीने दो।